तेज बारिश हो रही है। चीकू नहीं बेटा वेट कम मत करो, बोलना भी आता है अच्छे से। कहाँ थे आप? सरप्राइज हो गया खराब। 1 लाख सबर का फल मीठा हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू फिटनेस ब्लॉग। तो गाइस अभी बज गए रात के 10 और इतनी तेज बारिश हो रही है ना, इतनी तेज बारिश हो रही है और बारिश ने एकदम सडन से आई। हम लोग आए जिम में, जैसे जिम पहुंचे ना बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई। पर हम लोग क्या है, आज भी वर्कआउट करेंगे। तो गाइस आज हम करने वाले बैक का वर्कआउट। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं वार्म अप एक्सरसाइज। अभी ना एक्सरसाइज करते करते ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आप लोगों को पता है हम लोगों का जो जिम का सेटअप है ना, इसमें आंधी तूफान बारिश जब भी होती है ना तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो अभी क्या दिक्कत होगी कालू भैया बताएंगे। कालू भैया क्या हुआ है भाई? यहाँ पर ना पानी आ गया, इसके ऊपर जो इसका स्टेबलाइजर है ना उसके ऊपर पानी आ गया सारी। देखो ये दरवाजा खुला है क्या किसी ने? नहीं, दरवाजा तो बंद थी। ये देखो सारी गिल्ली हो गई भाई। ये मेरे को लग रहा है पानी लीक तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं दरवाजा तो बंद थी भैया। अभी देख लेता हूँ। मोबिलिटी की 5 एक्सरसाइज करी है तो अभी हम अपना बैक वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। तो गाइस यहाँ पर ना बारिश बहुत ज्यादा तेज है पर तब भी ना भैया मेरी मोटिवेशन का बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं इतनी तेज बारिश में भी ना अपना वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि देखो अपना बंदा माइंड सेट करके आता है कि वर्कआउट करना है, उसके बाद वर्कआउट ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको कम आ रही होगी, मैं इसलिए तेज बोल रही हूँ। तो गाइस फर्स्ट कमेंट है बिजिंदर सिंह जी का, गोलू मैम मैं निर्माण सर पंजाबी बोलते बहुत ज्यादा लवली लग रहे हो, मैं बहुत खुश हुई तुहानू पंजाबी बोलते सुन के। गॉड ब्लेस यू मलिक फैमिली, थैंक यू सो मच बजिंदर सिंह जी। बिल्कुल देखो क्या होता है कि हमें ना पंजाबी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि देखो मैं तो पंजाबी थी और चीकू के पापा स्टार्टिंग से पंजाबी बोलते आ रहे, बट वही होता है ना कि घर में सारे हिंदी बोलते हैं ना तो आदत नहीं है पंजाबी बोलने की, बाकी समझ पूरी आती है, बोलना भी आता है अच्छे से। सो गाइस माय थर्ड एक्सरसाइज है रोप पुल्स। सो गाइस मैं अपना जो वेट है ना पर सेट बढ़ा रही हूं, ज्यादा वेट अभी नहीं मैं मार रही हूँ। तो अभी 10 kg था मेरे फर्स्ट सेट में, नाउ इट्स 15 kg। मशीन रिवर्स फ्लाई। तो अभी मैंने अपना जो वेट है ना इट्स अराउंड 13 kg। चीकू नहीं बेटा वेट कम मत करो, ठीक है? मैंने सोचा कि वर्कआउट के साथ साथ ना थोड़े से आपके कमेंट्स भी रीड किए जाए। और अभी ना बारिश हल्की सी स्लो हो गई है तो अच्छा हुआ मैंने अपना वर्कआउट रोका नहीं, बट रुकी नहीं है बारिश स्लो हुई है। और मैं बता देती हूँ पहले कमेंट पढ़ने से पहले कि यहाँ पर हमारा बोर्ड था तो कालू भैया ने इसके ऊपर ना, कालू भैया क्या करा आपने इसके ऊपर? कालू भैया नीचे पन्नी रख दी और ऊपर इसको ना प्रॉपर तरीके से पहले जो शूट है वो शूट पूरा करने के बाद उसको पूरे तरीके से कर करूंगा मैं, ठीक है? अब मैं मतलब डील नहीं करूंगा जिम के बारे में। नेक्स्ट कमेंट है आरुषि तिवारी 5639 का, मिस यू पायल, जल्दी कम बैक पायल, लेकिन आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो। तो आरुषि जी बिल्कुल पायल जल्दी जिम में वापस आएगी, थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाए, उसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। बाकी वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रख रही है, मेडिसिन टाइम पे ले रही है और उस डॉक्टर ने उसको रेस्ट बोला था तो प्रॉपर रेस्ट कर रही है। सो गाइस मैंने ना बैक की 3 एक्सरसाइज करी है, उसके साथ साथ मैं अपना बाइसेप्स वर्कआउट भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मैं काफी टाइम से ना, मतलब जब से प्रेगनेंसी मेरी खत्म हुई उसके बाद से मैंने स्लीवलेस नहीं पहना क्योंकि मुझे स्लीवलेस पहनना अच्छा नहीं लगता। मैं दिखा देती हूँ मेरे जो आर्म है ना उस पर काफी ज्यादा फैट है, देखो तो ये बहुत ज्यादा फैट है, तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करती रहूंगी, ऑल ओवर बॉडी वर्कआउट करूंगी ना तो धीरे धीरे मेरा फैट भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस माई फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, बाइसेप कर्ल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ना अरमान जी क्यों नहीं आए, क्योंकि ना अरमान जी और पायल कहीं बाहर गए हुए थे और इतनी तेज बारिश आ गई ना कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो अभी मेरी पायल से बात हुई है, जस्ट वो नीचे पहुंचे हैं। मुझे ना बहुत देर से किसी का इंतजार था, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी को मैं मिस कर रही हूँ जिम में, तो आ गए हैं। कहाँ थे भाई? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे आप? मैं वो गया हुआ था बाहर, सरप्राइज था इसके लिए, वो सरप्राइज हो गया खराब। हम गए थे iPhone 1 TV लेने के लिए चंडीगढ़ में, मैंने कम से कम 10 दुकानें बता दी और आप भी कमेंट करके बताना कि वेटिंग है, यानी कि अगर हम अभी मंगाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में फोन मिल रहा है और हमें इतना सब्र था नहीं तो हम चले गए चंडीगढ़ लेने। वो बोला भैया 10 मिनट में मंगवा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो उसका एक्चुअल प्राइस जो दिखा रखा स्क्रीन पर वही पैसे ले रहे, यानी कि 1,90,000 रुपये ले रहे थे। और मैंने दिल्ली में पता किया, मेरा दोस्त है वो बोला अरमान भाई 1,60,000 रुपये का, मैं आपको कल भेज देता हूँ। 20,000 का फर्क, 30,000 रुपये का फर्क था।
था और मतलब घर कर आगे अगर बात की जाए तो मोटा मोटी 20 क्या कह सकते हैं हम, 20 का फर्क था। तो वो चीज़ें फिर मैंने बोला भाई कल ले आना, कोई बात नहीं, एक दिन और सब्र कर लेंगे। कोई बात नहीं, देखो बोलते हैं ना कि आपको लेट चीज़ मिलती है बट अच्छी मिलती है, तो बस सब्र का फल मीठा होता है, मैं वेट कर लूँ। गोलू के पास है अभी जो है ना iPhone 13 है, इसके पास 512 पर इसको 1 TB चाहिए, खराब नहीं है वो फोन भी, नया ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो फोन बिल्कुल सही है। बट ना उसके ना दिक्कत क्या है, 512 GB है तो 511 GB भर चुका है और 1 GB पड़ा था, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे बहुत बार बोलते हैं गोलू अपना फोन खाली कर ले, तूने काम कर अपना सारा डाटा ना हार्ड ड्राइव में शिफ्ट कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो वीडियो डालनी होती है, तो इन्होंने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी, अभी इन्होंने मेरे को दे दिया 1 TB, उसको मैं आधा खाली रखती हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी बाइसेप की हैमर कर्ल, और मैं थोड़ा सा लाउडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बारिश दोबारा से ना बहुत ज्यादा तेज हो गई है, बट मैंने सोचा हुआ है कि अपना जो वर्कआउट है ना पूरा करके जाऊंगी तो पूरा ही करूंगी। तो गाइस आज मेरे जिम में ना बस एंट्री हो ही जा रही है, पहले अरमान जी ने मुझे सरप्राइज दिया, ठीक है अब पायल ने दी है। तो पायल आप यहाँ पे कैसी? मैं यहाँ पे इसलिए कि जिम में आना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा मुझे मिल जाइए। नहीं मैंने सोचा कि चीकू नहा रहा है, चीकू पापा नहा रहे हैं, तो मैं भी साथ चलती हूँ। चलो गोलू देख नुकसान हो गया यार, ये सारा बह गया, पूरे पेपर गिल हो गए। अगली बार लगाएंगे ना तो इसको पूरा पन्नी से वो करके फिर लगाएंगे। पायलट कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है जिम में। अभी बड़ी मुश्किल से कालू मैंने पानी रोका है यहाँ पे हाँ। पानी अंदर आने लग गया था, पानी अंदर आ रहा था पूरा, नीचे पन्नी लगाई देखना। और देखो पता है नीचे कमरे में जगह से भी पानी आ रहा, पूरा पानी हो गया यार। बहुत बारिश आ रही है, हमें लगता है बारिश रुक गई है बट बारिश बहुत आ रही है। सो गाइस नेक्स्ट कमेंट है Yugal122 का, हेलो पायल एंड कृतिका दी, मैं आपके पुराने ब्लॉग सभी देखती हूँ जिसमे आप दोनों बहुत फिट हो, आपके पुराने ब्लॉग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जिसको देखकर मैंने 33 kg वेट लॉस करा है। वेरी नाइस और ऐसे ही जो है अपनी मोटिवेशन बनाए रखो, और अगर और वेट लूज करना हो ज्यादा हो आपका तो और वेट लूज करो और फिट रहो। तो नेक्स्ट कमेंट है नयान उपाध्याय का, गोलू मैम आपने बहुत सही बोला है, आपने प्रेगनेंसी से पहले तो जिम ब्लॉग डालते थे, उसमें जैसे आप फिट बॉडी थी मेरे को इंस्पिरेशन मिलती थी, मुझे भी वैसी बनानी है। देखो सबके साथ ऐसा होता है, जब भी आप बेबी डिलीवर करते हो चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑटोमेटिकली ना वुमेन का वेट इंक्रीज हो जाता है। तो मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरी पहले फिजिक थी, जो मेरा पहले वेट था को मैं रीच करूँ, क्योंकि पहले जो मेरा वेट था और अभी इसमें पूरा 10 kg का फर्क है, तो 10 to 12 kg मुझे रिड्यूस करना है, तब जाकर मैं पहले जैसी हो पाऊंगी। तो नेक्स्ट कमेंट है DB Vlog 3268 का, थैंक यू और मान भैया गोलू दीदी फॉर एक्सप्लेन हाउ डू यू वर्कआउट एंड कैन यू प्लीज टेल मी द डाइट चार्ट विच आई हैव टू ईट और नॉट प्लीज। देखो अभी हमें ये नहीं पता आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हो, तो इसके लिए आपको देखो अगर वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में आपको जो कार्ब्स है उसकी क्वांटिटी मिनिमम रखनी होगी, जितनी मतलब पूरे दिन में नीड होती है। और आप अपनी अगर आप वेजिटेरियन है तो अपनी डाइट में आप सोया रखिए और बॉइल जितनी भी दालें होती है जैसे राजमा हो गया छोले हो गए वो रखिए, सैलेड रखिए, इनटेक रखिए पानी का ज्यादा से ज्यादा बॉडी में, क्योंकि पानी जब हम डाइट पे जाते हैं तो पानी की जो नीड होती है वो कम ज्यादा हो जाती है बॉडी को, तो पानी का इनटेक ज्यादा रखिए बॉडी में, जूसेस रखिए और घर के बने हुए जूस, बाहर का मार्केट के जूस नहीं घर के बने हुए जूस, क्योंकि बाहर के जो जूस होते हैं उसमें एडिड शुगर होता है। तो अभी इतना ही, बाकी जब हम भी अपनी डाइट बनाएंगे तो आपको पूरा शेयर करेंगे। तो गाइस मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट, तो वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी स्ट्रेचिंग, तो मैंने यहाँ पे दोनों मैट्स जो है बिछा लिया, जब आए स्ट्रेचिंग करेंगे। जी का, अरमान जी आपसे गोलू और पायल जी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप प्लीज जिम का व्लॉग बंद मत करना, आप अपना जिम व्लॉग मैं कभी भी स्किप नहीं करती। तो गाइस हम बिल्कुल भी अपना जिम का जो व्लॉग है बंद नहीं करेंगे। देखो इतनी ज्यादा अभी आंधी तूफान आ रहा है, बहुत बारिश आ रही है, उसके बावजूद भी मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। अभी जस्ट पायल ने अपना कार्डियो कंप्लीट करा है, तो जितना भी हो सकता है हम लोगों से हम अपना जिम का वर्कआउट करते हैं। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहते हैं क्योंकि अभी आपको पता है तीनों बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो जैसे बच्चे सोते हैं उसी टाइम मैं आती हूँ जिम करने के लिए। तो गाइज आज का वर्कआउट हो गया यहीं पे एंड, तो इस वर्कआउट वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।